राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों के खर्च की राशि वापस लौटाए जो चुनाव होने योग्य ही नहीं थे, फिर भी चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाकर उनके लाखों रुपए खर्च करा दिए गए। अब अध्यादेश जो सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके आधार पर 2014 के आरक्षण और परिसीमन पर चुनाव हो रहे थे, उसके वापस होने पर अब वर्ष 2019 की स्थिति अस्तित्व में आ गई है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए कि अब बिना भाजपा सरकार के दबाव में आए वर्ष 2019 के आधार पर पंचायतों के चुनाव कराए। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत के चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अध्यादेश 21 नवंबर को लाया गया था, जिसमें 2019 से कांग्रेस सरकार के समय के आरक्षण परिसीमन और 1200 पंचायतों के पुनर्निर्माण को रोक दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, उस सब को लेकर करने के बाद में ये रविवार 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 3 दिन तक ये बात पेंडिंग पड़ी रही और आज उन्होंने कर दिया। मुझे आशय होता है कि निरस्त करने के बाद उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे खर्च हो चुके हैं, जो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लाखों लोगों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? और निश्चित रूप से पिछले वर्ग के आरक्षण के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको लेकर कौन न्याय करवाएगा? सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। जबकि मेरा यह कहना है कि इसको जब चूंकि 2014 का आरक्षण का मामला खत्म हो चुका है, तब यथा स्थिति 2019 की बनती है। कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो परिसीमन कराया था, जो आरक्षण कराया था, जो पंचायत का गठन किया था, उसका अस्तित्व वापस आज की तारीख में अस्तित्व में आ चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव कराए और 2019 की स्थिति के आधार पर चुनाव कराए और 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछले वर्ग के लोगों को दिलाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो न्यायालय प्रक्रिया का मामला है, वहां तक राज्य निर्वाचन आयोग को अपना आवेदन देकर न्यायालय से उसका निराकरण कराना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भारतीय पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग को काम नहीं करना चाहिए और तत्काल जितनी जल्दी हो सकता है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को खर्चे की वापस लौटाया जाए जिनका पैसा खर्च हुआ है, और चुनाव 2019 की यथास्थिति पर कराया जाए जो कि न्यायोचित होगा।